Hello friends, my name is Fahim Alam and you are watching Learn Valley. Today we have a very special session. A session is this, कि आज हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं और जो वोकैबुलरी होगी वो निमानिक होगी. निमानिक का मतलब मैं आपको कुछ वोकैबुलरी दिखाऊंगा और वो जो वोकैबुलरी होंगी वो किसी ना किसी चीज़ से यानी हिंदी के किसी सेंटेंस से वो लिंक होंगी. हिंदी के सेंटेंस से लिंक होने का मतलब है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा ताकि वो बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो चलिए देखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, लाइक कोशिश कर रहा हूँ बताने की कोई अच्छा सा मिल जाए. ठीक है, देखिए मैंने लिखा, एक शब्द लिखा मैंने कैजॉल. क्या लिखा बेटा? कैजॉल. अब लिखा ये कैजॉल है, मैं इसको काजोल मान लूं. क्या मान लूं? काजोल. तो कैजॉल को काजोल से मैं रिलेट कर रहा हूं, तो ये रिलेट करना ही निमोनिक कहलाएगा. क्या कहलाएगा बेटा? निमोनिक. अब याद करने का तरीका, कैजॉल का मतलब होता है बटरिंग. क्या होता है बेटा? बटरिंग. और बटरिंग का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, खुशामद करना, चापलूसी करना. करेक्ट. तो मैं याद कराने का तरीका यूं रखूंगा कि भाई काजोल ने अजय देवगन को बहलाया, फुसलाया और उससे शादी कर ली. कैसे याद रखोगे? काजोल ने अजय देवगन को बहलाया, फुसलाया और उससे शादी कर ली. बड़ा सिंपल है. तो कैजोल का मतलब हो गया बहलाना, फुसलाना. कुछ याद रख सकते हो. इसी तरीके से सारी वोकैबुलरी हम सीखेंगे, ठीक है, और ढेर सारी सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. चलिए देखते हैं. पहला वर्ड हमारे सामने है ग्लोवर. क्या है बेटा? ग्लोवर. और ग्लोवर को कैसे याद रखोगे? ग्लोवर को याद रखोगे भैया गुलशन ग्लोवर से. किससे? गुलशन ग्लोवर से. और जो गुलशन ग्लोवर भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? घूर कर देख रहे हैं. क्या कर रहे हैं? घूर कर देख रहे हैं. किसको देख रहे हैं? आपको ही देख रहे हैं. तो गुलशन ग्लोवर मुझे घूर कर देखता है. क्या बोलोगे? बोलकर देखो साथ में, तभी मजा आएगा, सीख जाओगे. पक्का बोल रहा हूं. गुलशन ग्लोवर मुझे क्या कर रहा है? घूर कर देख रहा है. तो ग्लोवर का मतलब हो गया घूर कर देखना. ग्लोवर, गुलशन ग्लोवर, याद रहेगा. करेक्ट. दूसरा वर्ड देखते हैं. दूसरा वर्ड हमारे सामने है फ्रैकस. क्या है बेटा? फ्रैकस. तो जो फ्रैकस है, फ्रैकस को याद रखो फ्रॉक. क्या याद रखोगे? फ्रॉक. फ्रॉक. फ्रॉक जैसे याद रखोगे तो फ्रॉक के चक्कर में मार्केट में दंगा फसाद हो गया. कैसे याद रखोगे? फ्रॉक के चक्कर में मार्केट में हो गया दंगा फसाद. याद रखोगे? मान लो कोई लेडीज फ्रॉक लेने गई, फ्रॉक की कीमत मात्र 500 की थी, उसने बताई 2500 रुपए की. लेडीज जो थी लेने वाली जो गई, वो पहचान गई कि भैया ये तो भाई बहुत कम कीमत की, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं. तो बस तू तू में हुई और फिर क्या हुआ, वहाँ पर दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, हाथापाई शुरू हो गई. तो फ्रैकस का मतलब हाथापाई, दंगा फसाद, लाइक दिस. ठीक है, इसी का एक सिनोनिम और दिखाता हूँ. टसल. क्या बेटा? टसल. टसल से क्या याद रखोगे? टसल याद रखोगे तसले से. देखो तसला लिखा हुआ है, तसले. तसले, तसला समझते हो? तसला जो घर में यूज होता है, एक बर्तन टाइप का होता है, यूटेंसिल होता है, लाइक, है ना. तो तसले के चक्कर में मियाँ बीवी में हाथापाई हो गई. ये भी याद रख सकते हो. इसका एक सिनोनिम और दिमाग में आ रहा है, वो भी बताना चाहूंगा. बाइकर. क्या लिखा है बेटा? बाइकर. बाइक, पहले बाइक फिर कार. बाइक, कार. तो बाइक और कार वाले की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया. बाइक और कार वाले की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया. तो हमें कितने वर्ड मिले बेटा? तीन. कितने मिले? तीन. फ्रैकस, टसल एंड बाइकर. इन तीनों का मतलब होता है फाइट से. किससे मतलब होता है बेटा? फाइट से. बहुत ही अच्छे से वर्ड है तीनों और हाई फ्रिक्वेंसी में है. चलिए आगे देखते हैं. लिखा है फ्री बूटर. क्या लिखा है बेटा? फ्री बूटर. क्या लिखा है? फ्री बूटर. तो फ्री के बूट. कैसे याद रखोगे? फ्री के बूट. फ्री के बूट. फ्री के बूट, लुटेरा लूट कर ले गया. क्या, कैसे याद रखोगे? लुटेरा लूट कर ले गया. तो फ्री बूटर का मतलब होता है लुटेरा. पायरेट. याद है पायरेट ऑफ द कैरिबियन नाम की एक मूवी थी, तो पायरेट का मतलब लुटेरे, है ना. इसको प्लंडरर भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? प्लंडरर भी कहते हैं. तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रखोगे आसानी से. करेक्ट. आगे देखो, आगे लिखा है एनेक्डोट. क्या लिखा है बेटा? एनेक्डोट. और एनेक्डोट को याद रखो अनेक डॉट. अनेक, पहले ए एन ई सी, अनेक डॉट, डी ओ टी डॉट. तो अनेक डॉट, एक डॉट, दो, तीन, चार, पांच, छह, नीरे डॉट लगा लो. अब बोलो अनेक डॉट हमारी छोटी सी कहानी में है. बोलकर देखो एक बार, अच्छा लगेगा. अनेक डॉट हमारी छोटी सी कहानी में है. तो अनेक डॉट का मतलब होता है, एनेक डॉट का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी. जो छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ाई जाती है वो एनेक डॉट कहलाती है. करेक्ट. इतनी सी बात याद रखिएगा. चलिए आगे देखते हैं. एक्स्ट्रा प्लेट. क्या लिखा है बेटा? एक्स्ट्रा प्लेट. तो पहले एक्स्ट्रा अलग याद रखो. प्लेट को प्लेट मान लो. प्लेट को प्लेट मान लो. मान लो आपकी दावत की
आपके भाई की दावत की और आपके एक फ्रेंड की दावत की। कितने की दावत हुई? तीन लोगों की दावत हुई। आप तीन लोग बड़े शैतान निकले, बदतमीजी बताए। जिस बंदे ने दावत की उसके यहाँ आप तीन लोगों को और साथ में ले गए। उस बेचारे ने तीन लोगों की क्या करा, इंतज़ाम किया हुआ था। अब वो तीन का इंतज़ाम किया था और तीन आप लोग पहुँच गए तो छः लोग हुए। अब वो तीन प्लेट का इंतज़ाम और ज़्यादा करेगा तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, वरना बेइज्जती उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे, एक्स्ट्रा प्लेट मंगा कर ही अब कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है। ऐसा उस बंदे ने बोला जिसने आपकी दावत की थी। तो आप भी बोलो, एक्स्ट्रा प्लेट मंगाकर ही कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है, रिजल्ट। याद रहेगा, एक्स्ट्रा प्लेट का मतलब था नतीजा निकालना, रिजल्ट आउटकम। बहुत अच्छा सा वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है। एक बड़ा है फ्लक्स। क्या लिखा है बेटा? फ्लक्स। लास्ट में देखो एफ हटाओ, लक्स। लक्स के साबुन से नहाने से शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंजेस। तो फ्लक्स का मतलब होता है चेंजेस, याद रखोगे। आगे वर्ड देखो, लिखा है फ्लैम्बॉयंट। क्या लिखा है बेटा? फ्लैम्बॉयंट। तो फ्लैम्बॉयंट को याद रखोगे कैसे? तो फ्लैम, FLAM, फ्लैम को फिल्म मान लो, फिर LAMBO लंबू मान लो, और आगे ANT आंट मान लो। तो फिल्म में लंबू और आंटी को कैसा दिखाया जाता है? शोई दिखाया जाता है। फिल्म में लंबू और आंटी को कैसे दिखाया जाता है? शोई दिखाया जाता है, यानी भड़कीला, चमक धमक वाला। फ्लैम पॉइंट पार्टी होती है, नहीं होती है, जिसमें चमक धमक है ना, होता है लाइक दिस, तो उसको बोलते हैं फ्लैम पॉइंट। करेक्ट, बहुत अच्छा सा वर्ड लगा मुझे। इम्यूटेबल। क्या बेटा? इम्यूटेबल कैसे याद रखोगे? अम्मा की टेबल, अम्मा की टेबल, इम्यूटेबल, अम्मा की टेबल। भैया अम्मा की टेबल हमने फिक्स करा दी है। कैसे याद रखोगे? अम्मा की टेबल हमने फिक्स करा दी है। इम्यूटेबल का मतलब होता है फिक्स, याद रख सकते हो, बहुत अच्छा सा वर्ड है। इम्यूटेबल का मतलब फिक्स होता है, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, ग्ली। बोलो ग्ली। तो गिली को याद रखोगे, गीली गीली सड़कों पर, भीगी भीगी सड़कों पर। बेटा भीगी भीगी सड़कों पर या गीली गीली सड़कों पर, बात तो एक ही है क्या है? गीली गीली सड़कों पर चलने से हमें बड़ी खुशी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? खुशी मिलती है। आज के टाइम में बाहर मत निकल जाना, पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं भाई। COVID-19 का प्रकोप पूरी दुनिया पर, भाई स्टे होम, सेव लाइफ्स, सभी से रिक्वेस्ट है घर पर रहिए भाई, फायदे में रहोगे। बाहर निकलने से बहुत नुकसान है, आपका भी नुकसान है और समाज का भी नुकसान है। सो प्लीज बी एट योर होम। आगे देखें, हाइस्ट। क्या लिखा है बेटा? हाइस्ट। बड़ा अच्छा सा वर्ड लगता है मुझे हाइस्ट, और हाइस्ट का मतलब होता है चोरी, डकैती। क्या होता है? चोरी या डकैती। हाइस्ट को याद रखोगे, हंसते हंसते हमने चोरी कर ली। हंसते हंसते हमने क्या कर लिया बेटा? हंसते हंसते हमने कर ली चोरी। हाइस्ट का मतलब होता है चोरी। रॉबरी एट अ गन पॉइंट भी बोल सकते हैं आप उसको, रॉबरी होता है इसका मतलब। ठीक है, Race 3 सलमान खान ने इस वर्ड का बहुत अच्छे से यूज करा था, हाइस्ट, है ना। एक और मूवी थी, कौन सी थी? थॉर लास्ट जो एंड गेम था, उसमें भी कहते हैं टाइम हाई, टाइम हाइस्ट, टाइम टाइम हाइस्ट करेंगे, हाइस्ट टाइम करेंगे, था एक वर्ड, बड़ा अच्छा सा वर्ड था। आगे बढ़े, कैप्शस। क्या बेटा? कैप्शस। तो कैप और सांस, कैप और सांस, कैप पहनकर सांस हमारी, कैप पहनकर सास हमारी दूसरों में गलतियां ढूंढती हैं। कैसे याद रखोगे? कैप पहनकर सास हमारी दूसरों में गलतियां ढूंढती हैं। तो कैप्शस का मतलब हो गया टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। तो कैप्शस का मतलब हो गया, सिंपल है, किसी दूसरों लोगों में गलतियों को ढूंढना। ठीक है, आगे बात है डिसमल। क्या लिखा है बेटा? डिसमल। तो दिस को देश मान लो, और मॉल तो मॉल है ही हमारे बरेली में, फिनिक्स मॉल है ना, तो देश में मॉल बंद हो गए, हो ही गए भाई, बड़ा दिक्कत हो गई है। देश में मॉल बंद हो गए इसलिए हम उदास हो गए हैं। कैसे याद रखोगे? देश में मॉल बंद हो गए इसलिए हम उदास हो गए। तो डिसमल का मतलब हो गया उदास। एक वर्ड और याद आ रहा है इसी का सिनोनिम, डेस्पोंडेंसी। क्या है बड़ा? देखना जरा, डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का क्या मतलब होता है? डेस्पोंडेंसी का मतलब हो गया, इसको याद कैसे रखोगे? देश में पांडे, देश पांडे और सी फांसी। देश पांडे को जब फांसी दी गई, देश पांडे को जब फांसी दी गई तो पूरा देश उदासी में आ गया। कैसे याद रखोगे? देश पांडेंसी, देश पांडे
पांडे को जब फांसी दी गई तो पूरा देश उदासी में आ गया। तो डिसमल एंड डेस्पोंडेंसी, इन दोनों का मतलब होता है सैड। क्या मतलब होता है बेटा? सैड। बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। आगे है वर्ड हमारे पास परसिवियर। क्या बेटा? परसिवियर। परसिवियर का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। याद रखोगे परसों से बियर, परसिवियर, परसों से बियर। तुम लगातार पिए जा रहे हो बेटा, घर पर हो ध्यान रखना, ज्यादा बियरबाजी ना करो। परसों से बियर तुम लगातार पिए जा रहे हो, तो परसिवियर का मतलब होता है लगातार, टू कंटिन्यू। याद रख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। हम इस वीडियो के लास्ट में एक सेशन देंगे और आप कोशिश करना रिकॉल करने की, वो सारे वर्ड्स जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो लास्ट में एक बार पूछूंगा आपसे, आप बताएंगे कि सारों का मतलब क्या है। और देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझ कर देख रहे हैं, तो 100% आप मुझको रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलिए आगे एक वर्ड और देखते हैं। ड्विंडल। क्या वर्ड है बेटा? ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, डी के बोलते हैं। तो द्वे, द्वे, DWI को बोलेंगे दोए, और DLE को बोलेंगे दल। तो दोए दल, धीरे धीरे खत्म हो गए, ड्विंडल। दोए दल धीरे धीरे खत्म हो गए, सिंपल है। याद रखिएगा, देश में दो दल धीरे धीरे फिनिश हो गए, फिनिश हो गए यानी कि डी के, है ना। आगे बढ़ देखते हैं। डिलीजेंट। क्या लिखा है बेटा? डिलीजेंट, फिर से बोलो, डिलीजेंट। तो पहला लिखा है दिल्ली और बाकी जेंट्स, तो दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है बेटा? मेहनती। तो दिल्ली के जेंट्स बड़े ही मेहनती होते हैं, तो लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम रहता है। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती, वेरी गुड। सरमाउंट क्या है बेटा? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सरमाउंट। क्या है? सरमाउंट। तो सरमाउंट को याद रखोगे हमारे सर ने, या फिर शर्मा जी मान लो, ठीक है। तो शर्मा जी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर, सरमाउंट, शर्मा जी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर अपने गुस्से को काबू में कर लिया है। क्या कर लिया है? काबू में कर लेना, टू ओवरकम, टू कंट्रोल। तो सरमाउंट का मतलब होता है टू कंट्रोल और टू ओवरकम। सो हाउ वी कैन सरमाउंट दिस कोविड-19, स्टिल वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, एक वर्ड पढ़ाया था, नतीजा निकालना। कम ऑन, बता जल्दी से, क्या था, क्या था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, याद करो जल्दी से। याद आया? एक्सट्रपलेट। सो वी डोंट हैव एनी एक्सट्रपलेट टू सरमाउंट दिस कोविड-19, करेक्ट। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में के अंदर। आगे देखिए, करोड़। क्या लिखा है बेटा? करोड़। तो कार रोड, करोड़ को याद रखोगे, कार रोड, कार रोड, कार रोड, धीरे धीरे क्षय हो गया है, धीरे धीरे खत्म हो गया है। ड्विंडल इसका सिनोनिम रहेगा, ड्विंडल बड़ा, दो दल धीरे धीरे समाप्त हो गए, उसका सिनोनिम कार रोड रहेगा। करोड़ का मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना, सिंपल है, बहुत अच्छा सा वर्ड है, याद रखिएगा। मैरोड क्या है? मैरोड। तो मैं रोड पर लूटपाट करता हूं, मैरोड का मतलब होता है लूटपाट करना। लूटपाट मत करो भाई, पुलिस ले जाएगी, उठा के घूमने तो इजाजत नहीं है, तुम रोड पर लूटपाट कर लो भाई, सही है। मैं रोड पर क्या करता हूं? लूटपाट करता हूं, रॉबरी, ठीक है, याद रखिएगा। मैलिस। क्या लिखा है? मैलिस। इसको चाहे मालिस से याद रखो, चाहे मैं लाश देखकर घबरा जाता हूं, मैं मालिस घबराने से, मैं मालिस करवाने से घबराता था जब बच्चा था, है ना। अब आगे देखो, मैलिस का मतलब होता है घबराना, अनईज हो जाना, ठीक है। एक मैलाज नाम की क्रीम आई थी, पता है आपको, वो उसका बड़ा फंक्शन था, बड़ा कमाल का, वो लगाओ 2 दिन में भाई साहब गोरे, नहीं गोरे नहीं, लाल हो जाते थे लाल, और कुछ दिन के बाद देखो तो काले। तो याद रखिएगा, मैलाज लगाने से हमें घबराना चाहिए, क्या करना चाहिए? घबराना चाहिए। तो मैलिस का मतलब होता है घबराना, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। अप्रोब्रियम क्या है? अप्रोब्रियम क्या है बेटा? अप्रोब्रियम। तो याद रखोगे, आप रॉब रम पी कर दिखाते हो, लाइक दिस, अप्रोब्रियम, आप रॉब रम पी कर दिखाते हो, इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। आप रॉब
रम पीकर दिखाते हो, इसलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं, टू क्रिटिसाइज। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सा वर्ड है। रम पियोगे, रौब दिखाओगे तो लोग आपकी क्या करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, यार ये बंदा सही नहीं है यार। ठीक है, आगे देखो, स्कर्ज क्या है, स्कर्ज ये आज के एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर में वर्ड है, स्कर्ज, बड़ा अच्छा सा वर्ड लगा मुझे। तो स्कर्ज का मतलब होता है कॉज ऑफ प्रॉब्लम। क्या मतलब होता है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। तो COVID-19 जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अब हिंदुस्तान में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ख़राब होती नज़र आ रही है, तो इसके पीछे जो कॉज है वो कौन है, COVID-19 है। तो COVID-19 यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्कर्ज कहलाएगा। तो इसका कर्ज याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इसका कर्ज कैसे याद रखोगे, इसका कर्ज हमारी परेशानी का कारण है। तो परेशानी का कारण होने को ही बोलते हैं स्कर्ज। क्या बोलते हैं बेटा, स्कर्ज। आगे देखो, काउंटरमेंट क्या लिखा है बेटा, काउंटरमेंट कैसे याद रखोगे, काउंटर पर मेरी डिमांड, काउंटर मंड मंड डिमांड, काउंटर पर मेरी डिमांड। तो काउंटर पर मेरी डिमांड को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो काउंटर पर मेरी डिमांड को रद्द कर दिया गया है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो टू कैंसिल, बड़ा सिंपल सा वर्ड हो गया हमारे सामने। कॉन्वोल्यूटेड क्या है, कॉन्वोल्यूटेड, कौन है जो लूट कर ले गया, कौन है वो जो लूट कर ले गया, कौन वो लूट कर ले गया, कौन है वो जो लूट कर ले गया, उसको ढूंढना एक समस्या और पहेली है। तो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है समस्या या फिर पहेली। कैसे रखोगे, टू पजल या फिर टू प्रॉब्लम, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है, करेक्ट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना रहने देते हैं, करेक्ट। बाकी जो वोकैबलरी पढ़ी है इसका एक छोटा सा एक यहाँ पर व्यू देख लेते हैं, और आप मुझे बताएंगे कि कितने वर्ड्स आपको याद रहे हैं। चलो कम ऑन, देखो सारे वर्ड्स और मुझे बताओ किन किन वर्ड्स को आपको पता है। कम ऑन, एक ही नज़र में याद आना चाहिए अगर आपने ध्यान से देखे हैं। चलो देख लो, कम ऑन लुक। गुड, सारे याद आ रहे हैं। चलो मैं हटाता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, बताओ कॉन्वोल्यूटेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, परसिवियर का क्या मतलब होता है, फ्रीबूटर का क्या मतलब होता है, करोट का क्या मतलब होता है, अच्छा टसल का मतलब बताइए क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट, बहुत मजा आया आपको पढ़ाकर, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।